नमस्कार दोस्तों, मैं प्रभात तिवारी स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल प्रभात तिवारी स्टडी आईक्यू पे। उत्तर प्रदेश टीईटी भर्ती परीक्षा का दोस्तों एडमिट कार्ड सभी का जारी हो गया है। आप लोगों से दोस्तों एक निवेदन है, आप लोगों का बहुत ज़्यादा कमेंट्स आ रहा था कि सर एक ओएमआर पर वीडियो बना दीजिए कि हम लोगों को ओएमआर सीट कैसे भरना है, क्योंकि आपको मालूम होगा कि यहाँ पर जो अभी जूनियर एडेड शिक्षक भर्ती हुई है और यूपी में टीजीटी पीजीटी की जो भर्तियाँ हुई हैं उसमें बहुत सारे, क्योंकि वहाँ पर कक्ष निरीक्षक की कुछ गलतियाँ होती हैं जिसके कारण आप लोगों का ओएमआर चेक नहीं होता है और आप लोग एग्ज़ाम से वंचित हो जाते हैं दोस्तों अपनी परीक्षा से। तो हर टॉपिक के दोस्तों चर्चा करेंगे किस तरीके से आप सही एवं सटीक ओएमआर सीट भर सकते हैं। चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को करेंगे सब्सक्राइब, बेल आइकन को दबाएंगे जिससे आने वाली हर वीडियो को नोटिफिकेशन आप तक समय समय तक पहुँचता रहे। दोस्तों मैं आपको बताना चाहता हूं, आप लोग ओएमआर सीट को भरने में थोड़ा सा टाइम लीजिएगा, बाकी दोस्तों आप एग्ज़ाम अपना आसानी से करिए। चलिए दोस्तों, सबसे पहले आपको ओएमआर सीट में सबसे मेनली कौन कौन से टॉपिक सबसे ज़्यादा ध्यान देने होते हैं। सबसे पहले आपको दोस्तों अपना रजिस्ट्रेशन नंबर, ठीक है, रजिस्ट्रेशन नंबर यहाँ पर भरना होगा। रजिस्ट्रेशन नंबर को एक एक अंक देख कर भरना होगा और जैसे जैसे भरते जाएंगे, सबसे पहले तो आप एक बबल वाली यानी 10 रुपए की पेन आती है उसको खरीद लीजिएगा, मोटी रहती है, उसको एक बार गोला करेंगे तो बाल पेन की तरह काला हो जाएगा, ठीक है, तो बबल वाली एक पेन खरीद लीजिएगा। उसके बाद क्रम वाइज यहाँ पर अपना रजिस्ट्रेशन नंबर भरिएगा और रजिस्ट्रेशन नंबर भरते समय ध्यान देना कि दूसरा गोला ना काला करें, तो क्रम वाइज अपना गोला काला करते चलिएगा रजिस्ट्रेशन नंबर भरने के बाद। रोल नंबर को भरिएगा, रोल नंबर को पहले जिस अंक को भरा है उसके नीचे का ये गोला काला करना, फिर अगले का गोला काला करना, फिर अगले का गोला काला करना, फिर अगले का, ऐसे दोस्तों जब ये दोनों प्रक्रियाएं पूरी हो जाएं तब दोस्तों थर्ड प्रोसेस पे आना और अपनी बुकलेट सीरीज भरना। बुकलेट सीरीज को भी भरते समय, क्योंकि ये जो 4 पॉइंट मैं बेसिकली लिया हूँ बहुत इंपॉर्टेंट है, इसी से आपकी ओएमआर सीट चेक होगी। बुकलेट सीरीज जो भी देखना, आप लोगों की जो प्रश्न पुस्तिका मिलेगी, ठीक है, उसी को हम बुकलेट सीरीज कहते हैं। तो बुकलेट सीरीज आप आराम से ए बी सी डी जो भी बुकलेट आपकी हो वो भरना। अगर आप बुकलेट सीरीज को सही से नहीं भरते हैं तब आपकी कॉपी चेक होगी। मान लीजिए आपकी बुकलेट सीरीज वी है और आपने सी भर दिया, तो सी में क्वेश्चन चूँकि अलग अलग जगह रहते हैं, डिफरेंस रहते हैं, डिफरेंस का मतलब ये है कि बुकलेट बी में 3 नंबर पे है तो बुकलेट सी में वो 4 नंबर पे होगा। तो यहाँ पर ये मत करना कि बुकलेट बी की जगह बुकलेट सी भर देना, तो एक क्रम वाइज भरना, और अगर आपने बुकलेट गलत किया तो आपका पूरा का पूरा पेपर गलत हो जाएगा, आपका यहाँ पर नंबर नहीं आएगा, ठीक है, 0 नंबर आपका दिख के आएगा, रिजल्ट तो आएगा लेकिन 0 नंबर के साथ। तीसरा आपका पॉइंट चौथा है दोस्तों लैंग्वेज। आपने जब ऑनलाइन कराया था उत्तर प्रदेश टीटी का तो उसमें आपने एक अदर हिंदी के अलावा एक लैंग्वेज भरी थी, उस लैंग्वेज को यहाँ पर सिलेक्ट करना। मान लीजिए आपने रजिस्ट्रेशन के समय इंग्लिश भरा था तो इंग्लिश चूज करना, संस्कृत भरा था संस्कृत चूज करना, और उर्दू भरा है तो उर्दू चूज करना, यहाँ पर दोस्तों गोला काला कर देना। अब दोस्तों ये नीचे यहां पर हम आपको बताते हैं, ठीक है, नीचे जो प्रोसेस है दोस्तों ये है कि आप यहां पर भर देंगे, उसके बाद क्रम वाइज जिसे आपने क्वेश्चन नंबर 1 किया है तो 1 का ही काला करना। जब आप मान के लिए एक क्वेश्चन छोड़ के 10वें क्वेश्चन पे आ जा रहे हैं तो देखिए 10वां क्वेश्चन कहाँ है, या फिर 26वें क्वेश्चन पे आ रहे हैं देखिए 26वां क्वेश्चन कहाँ है, तो उस क्वेश्चन के सामने उस गोले को पूरा काला करना, ठीक है। कई लोग ऐसे हल्का फुल्का काला कर देते हैं, उस गोले को पूरी तरीके से काला करना है, तब दोस्तों आपको आगे बढ़ना है। अब नीचे जैसे आप पूरा प्रोसेस करेंगे तो यहाँ पर आपका नेम ऑफ द कैंडिडेट कैपिटल लेवल में अपने कैंडिडेट का नाम लिखना है, फादर्स नेम लिखना है, और यदि हस्बैंड है तो हस्बैंड का नेम लिखना है, मदर्स नेम निकला है, और एग्जामिनेशन सेंटर का दोस्तों कहाँ पर है वहाँ पर लिखना है, और अपना कैटेगरी लिखना है जनरल ओबीसी जिस कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, नेम ऑफ द मदर्स लिखना है, और नीचे यहाँ पर अपने सिग्नेचर करनी है, ठीक है, यहाँ पर अपने सिग्नेचर कर देना है। सिग्नेचर करने के बाद दोस्तों यहाँ पर जितने नंबर ऑफ क्वेश्चन आपने अटेम्प्ट किया है उस क्वेश्चन को दोस्तों यहाँ पर लिख देना है, और यहाँ अपना जो नंबर ऑफ क्वेश्चन जितने आपने अटेम्प्ट किए हैं नंबर ऑफ वर्ड में लिखना है, ठीक है, यहाँ पर आपका डिजिट में लिखना है और यहाँ पर वर्ड में लिखना है। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर जो आपका सिग्नेचर होगा वो अपना सिग्नेचर करेगा, यहाँ आपकी सिग्नेचर होगी, ध्यान दीजिए सिग्नेचर ऑफ द कैंडिडेट, और यहाँ पर जो आपके कक्ष निरीक्षक रहेंगे उनकी यहाँ पर सिग्नेचर होगी। तो ये सब प्रोसेस करने के बाद आप फाइनली आप ओएमआर सीट को दोस्तों जमा कर सकते हैं। बाकी आप लोग क्वेश्चन को जब करिए तो क्वेश्चन को ध्यान देना किस किस क्वेश्चन के कर रहे हैं, उसके बाद ही भरना। उम्मीद है ये वीडियो आप लोगों को बहुत हेल्पफुल लगा होगा, वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करना और चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करना। टेट भर्ती से संबंधित संपूर्ण जानकारी हमारे चैनल के माध्यम से आप सभी को प्रोवाइड की जाती है। जय हिंद, जय भारत।